melt my heart. 봄에 हे गाइज, वेलकम बैक अगेन माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रियंका और प्रियंका मैडम ब्लॉग्स चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइज, आप लोग यहाँ तक मेरा पिछला वीडियो देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो इसे जस्ट पहले वाला वीडियो आप जाके देखिएगा, कहाँ कहाँ है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो गाइज, अभी हम आ चुके हैं माता जी के, और ये आप देख सकते हो ऊपर से कुछ इस तरीके की यहाँ पे लाइटिंग वगैरह हो रखी है, और जो मंदिर है वो कुछ इस तरीके से है सामने में, और यहाँ भीड़ वगैरह बहुत रहती है, लेकिन आज उतनी है नहीं, तो मुझे लग रहा है शायद आसानी से दर्शन हो जाएंगे चौथ माता के। और ये आप लोग भी देख सकते हो, आप भी वहाँ से दर्शन कर सकते हो। और गाइज, आसानी से दर्शन होने के बाद ये आप देख सकते हो, वैसे तो यहाँ पे मतलब सामने में खड़े होकर फ़ोटो लेना मना है, जो कि ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ले लेते हैं। और ये थोड़ा सा मैंने भी क्लिपिंग वगैरह ली है, आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर प्रसाद और जो भी चढ़ा हुआ होता है वो होता है। उसके बाद फिर वहीं से आपको मतलब कि लेफ्ट में होके टर्न करके आपको इसे पीछे में आना होता है। फिर पीछे में आने के बाद इस तरीके से यहाँ पे पीछे में भी एक दुर्गा माता की मूर्ति बनी हुई है, या शेरा वाली माता भी इसको बोल सकते हो, इस तरीके से मूर्ति बनी हुई है। फिर यहाँ पे भी होने के बाद ये आप बाहर का व्यू वगैरह भी आप यहाँ से देख सकते हो, जो मंदिर की नक्काशे वगैरह कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनाई गई है। और कहीं यहाँ पे ना बहुत ही अच्छी ठंडी हवा आती रहती है बाहर वाली साइड से, मतलब कि बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है यहाँ पे बैठ के, और बहुत लोग मतलब आके आराम से बैठते भी है इधर। और ये आप नीचे का व्यू देख सकते हो, कुछ इस तरीके से मतलब लगता है नीचे का। गाइज, अब हम यहाँ से भी मतलब कि थोड़ा सा और टर्न करके और फिर आगे चलेंगे, तो यहाँ पे ना मतलब माता जी के यहाँ पे तिलक वगैरह निकाला जाता है, तो जो मूर्ति वगैरह है वो तो एग्जैक्टली तो नहीं मालूम, लेकिन मतलब ऐसे बोलते कि इधर ये भैरव जी का भी मंदिर है, जो भैरव बाबा होते हैं उनका भी यही जो मंदिर है वो यही वाला है, और यहाँ पे तिलक वगैरह निकाला जाता है, और जो भी प्रसाद वगैरह आप लेके आते हो वो भी चढ़ा देते हैं इधर ही, और जो भी कुछ दान दक्षिणा देनी होती है वो भी इधर दी जाती है। और गाइस, यहाँ पे ना मंदिर के नाम से भी ट्रस्ट बना हुआ है, तो अगर आप अलग से जैसे कुछ भी पर्चे वगैरह कटवाना चाहते हो, या जैसे 100, 200, 500 जो भी आपसे बनता है वो अगर आप करवाना चाहते हो, तो उसका भी यहाँ पे मतलब कि अलग से बैठे रहते हैं, और ये दान पात्र की पेटी वगैरह होती है, इनमें भी आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको देना ही ज़रूरी है, वो अपने मन के ऊपर होता है। और फिर यहाँ से टर्न करने के बाद हम जाएंगे नीचे, और यहाँ पे गाइस जो भी प्रसाद वगैरह लेकर आते हैं, जैसे कि कोई कढ़ाई चढ़ाते हैं, कोई मिठाई, जो भी मतलब माता जी का जो बोलते हैं, जो जिनका काम हो जाता है, मनोकामना पूर्ण हो जाती है, वो लोग फिर यहाँ पे ना मतलब कि प्रसाद ही चढ़ाते हैं, तो उसको मंदिर में ही बांट कर भी जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ना ऐसे भी नहीं है कि मतलब काफ़ी सारी चीज़ें खाने के लिए भी मिल जाती है इधर। और फिर गाइस, अभी हम उतर रहे हैं नीचे, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी भी सीढ़ियाँ ऑलमोस्ट सभी पे मतलब जिन जिन लोगों ने यहाँ पे चढ़ाई है सबके नाम लिखे हुए हैं। फिर गाइज, यहीं से ये वाली जो सामने जा रही है इसी को मतलब चारों तरफ से जितनी भी परिक्रमा आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो, 7, 21 जितनी भी आपकी चाहते हो, मतलब जितना कि भैया हमें इतनी लगानी उतनी लगा सकते हो। यहाँ पे भी एक मतलब मूर्ति बनाई हुई है दुर्गा माता, और फिर यहाँ से भी ढोक देने के बाद फिर नीचे चले जाना है। अगर और गाइज मतलब यहाँ ऊपर और नीचे जाने के कम से कम 2-3 रास्ते हैं, अलग अलग है सभी, तो जैसे काफ़ी टाइम यहाँ पे भीड़ वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है, तो अलग अलग गेटों से एंट्री वगैरह दे दी जाती है, तो इस तरीके से फिर यहाँ होके आप बाहर निकल सकते हो। और यहाँ पे जो सामने का जो मंदिर है, यहाँ पे भी शायद माता जी की ना जोत वगैरह जलती रहती है इधर में,
तो कुछ इस तरीके से ये मंदिर बनाया गया है। बहुत ही अच्छा और बहुत भव्य मंदिर है गाइस, और बहुत फेमस भी है ये। और ये आप देख सकते हो, यहाँ पे बैठने वगैरह के लिए भी काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। इस तरीके से आप बैठ भी सकते हो अगर थोड़े बहुत थकान वगैरह हो गई है तो, नहीं तो फिर उतरने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। चढ़ने में बस थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, बाकी ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, आसानी से आप चढ़ सकते हो। और गाइस मतलब कि जैसे आप में से बहुत लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ आने के लिए आप ना किसी भी उससे आ सकते हो, चाहे आप प्लेन से आ सकते हो, ट्रेन से आ सकते हो, बस से आ सकते हो, या खुद के व्हीकल से भी आ सकते हो अगर आप आसपास से आ रहे हैं तो। नहीं तो अगर कहीं दूर से आ रहे हैं तो, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा दूर से आ रहे हैं तो, और अगर आप प्लेन वगैरह से आना चाहते हो तो जयपुर हवाई अड्डा पास में पड़ता है, वहाँ से आप फिर जयपुर से मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 100-150 किलोमीटर की दूरी रही होंगी, तो वहाँ से आप पर्सनल व्हीकल करके भी आ सकते हो। या तो फिर ये खुद चौथ का बरवाड़ा भी रेलवे स्टेशन है, तो सवाई माधोपुर तक तो ऑलमोस्ट सभी ट्रेनें आती है, फिर वहाँ से आपको चेंज करके बरवाड़ा तक आ जाना है, और फिर वहीं से मतलब आपको मंदिर में आ जाना है। बाकी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और बस भी यहाँ से मतलब कि सवाई माधोपुर से भी अगर आ रहे हो तो बहुत सारी बसें हैं जो यहाँ पे आती है, और टोंक जयपुर से भी खूब सारी बस वगैरह यहाँ पे अवेलेबल रहती है। तो आने वगैरह की तो वैसे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑलमोस्ट हर जगह पे आपको आने जाने की सुविधाएं मिल जाती है। और ये था गाइस यहाँ का मंदिर जो कि आप देख सकते हो। और आज तो वैसे चौथ नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है, भीड़ इसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि भीड़ कभी अगर मुझे मौका मिला और मैं आई किसी चौथ वगैरह पे तो मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे जो भीड़ और जो भक्तों के आस्था है वो सारी चीज़ें। तो ये था गाइस चौथ माता का। अब नेक्स्ट जहाँ पे हम जाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। बात गाइज मैं आ चुकी थी मेरे ससुराल, और ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। तो हम आ चुके थे खेत में, और ये हमने थोड़ा बहुत अमरूदों का बगीचा लगा रखा है, जिसमें मतलब कि घास वगैरह देखने आई थी मेरे साथ, और घर के सामने ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बस ऐसे नॉर्मली देखने चले थे। और इनमें जो ये फूल वगैरह आ रहे हैं पौधों में, तो वो भी तोड़ना ज़रूरी है। तो इस तरीके से बस ये थोड़ा सा मैंने क्लिप वगैरह लिया था मॉर्निंग का, तो मुझे लगा मैं आप लोग साथ शेयर कर देती हूँ। और अभी मतलब इनकी थोड़ी गुड़ाई वगैरह भी चलेगी थोड़े दिनों बाद। और गाइज आज था फ्राइडे, और आज हमें बिठानी थी रामायण, और आज हम आए थे बालाजी के, और यहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रोग्राम भी करना है जो कि कुछ टाइम पहले हमने बोला हुआ था, और आज रामायण है तो वही सारी चीज़ों के लिए आज यहाँ पे आए हुए थे। और कल सैटरडे रहेगा तो कल कंप्लीट भी हो जाएगी ये, 24 आवर्स की हमने बिठा रखी है, और अभी उसी के लिए थोड़ी पूजा वगैरह होएगी, तो इसीलिए आए हुए हैं। आप देख सकते हो ये है हमारे यहाँ का बहुत फेमस है दोबड़ा के बालाजी, और बहुत ही लोगों की यहाँ पे बहुत मनोकामना भी पूर्ण होती है, उनमें से एक हमारी भी हुई है, और उसी के लिए आज हमने ये प्रोग्राम रखा है। तो ये हमने रामायण बिठाई थी, तो उसी की थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स है। और गाइज अब ये जो क्लिप है ये है सैटरडे की, इस दिन थोड़ा सा ना ये हवन वगैरह करना था, क्योंकि रामायण कंप्लीट हो चुकी थी, और फिर उसके बाद ही थोड़ा हवन करने के बाद जो भी हमारा प्रोग्राम था वो करना था, मतलब कि एक तरीके से गोट हमने रखी थी वो करी थी, फिर उसके बाद मतलब जो भी गांव वाले रिश्तेदार वगैरह उन सबको बुलाया था, और फिर इस तरीके से खाना वगैरह भी बन रहा था। और ये हमने बनाया था दाल बाटी चूरमा, जो कि आप देख सकते हो अभी बन रहा है, इसमें बन रही है दाल, और इधर मतलब कंडों पे बनवाए हैं दाल बाटी और चूरमा, जो कि आप ये देख सकते हो इस तरीके से राजस्थान का प्रसिद्ध दाल बाटी चूरमा बनाया जाता है। अगर आप इसकी पूरी रेसिपी देखना चाहते हो तो मैं उसका एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगी। एंड गाइस आगे की फिर क्लिप्स वगैरह मैंने ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। और फिर उसके कुछ दिनों बाद मदर्स डे था, तो हम फिर घर पर कि चलो जीजी वगैरह भी है यहाँ पर, और केक वगैरह लेके आए थे, तो ये उन सब की पिक्चर्स है, ये आप देख सकते हो। इस तरीके से हमने सेलिब्रेट किया था घर पर ही, और केक वगैरह ला के। और फिर गाइज दूसरे दिन मतलब कि मदर्स डे के सेकेंड डे दोपहर में थोड़ा लाइट वगैरह जाने के बाद हम ऐसे पेड़ वगैरह के नीचे भी बैठ जाते हैं, क्योंकि घर पे काफ़ी सारे नीम वगैरह के पेड़ उगा रखे हैं, तो इस तरीके से, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है क्योंकि हवा वगैरह काफ़ी अच्छी चलती है। और गाइज वैसे भी घर में तो मतलब कि कमरों में तो ऑल टाइम ही रहते हैं, गाँव में आने के बाद यहाँ पर बैठने का खाट पर और ये एक अलग ही अपने आप में मज़ा रहता है। और इस तरीके से अमरूद वगैरह भी घर के जस्ट बाहर ही हमने लगा रखे हैं, तो उनमें भी
अमरूद वगैरह आ रखे थे तो खा लेते हैं। और अब गाइज बस आज आज का दिन है, कल हम यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि कल हमारा जाने का टिकट है। तो बस आज तक का ये वीडियो रहेगा, कल फिर जो जाएंगे वो मैं आगे का शूट करूँगी। तो ये था गाइज मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसकी साइड में जो बेल आइकन वाला बटन है उस पर भी ज़रूर से क्लिक करना ताकि मेरे और भी जो आने वाले वीडियो जो वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल देन बाय गाइज।